पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में ईदगाह के सामने आदर्श नगर में पेंट की दुकान में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। कटघर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर निवासी हरजोत गुलाटी की ईदगाह के सामने गुरु नानक नाम से पेंट की दुकान है। शनिवार दोपहर हरजोत गुलाटी अन्य कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को पेंट का सामान बेच रहे थे। इसी बीच दुकान के एक हिस्से में अचानक आग की लपटें दिखाई दी। इससे दुकान में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। ये ईदगाह के सामने गुरु नानक पेंट, इसमें आग लगी है। 10-12 दुकानें इससे सटी हुई थी, जिनमें भी आग बढ़ने की संभावना थी, जिनको बचा लिया गया है। और पेंट स्टोर में अत्यधिक ज्वलनशील केमिकल हैं, जिनको फोम कंपाउंड डाल के बुझाया जा रहा है। आग कंट्रोल में है और 9 गाड़ी कॉन्ट्रेशन में काम कर रही हैं। अभी तक 18 गाड़ी पानी पड़ चुका है। सर, किस चीज़ की दुकान है और क्या क्या है? ये पेंट की दुकान है। इसमें विभिन्न प्रकार के पेंट, थिनर आदि स्टोरेज हैं, और जिनमें आग लगी हुई है इसको बुझाया जा रहा है। फोम कंपाउंड डाल के आग बुझाया जा गया है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और 9 गाड़ी फोम टेंडर लगातार काम कर रहे हैं। अभी तक कोई जान के कोई सूचना प्रकाश में नहीं आई है किसी को। नुकसान तो अभी आग बुझने के बाद ही पता चलेगा, आग लगने कारण और नुकसान। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।